गुड आफ्टरनून क्लास 8 ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय पिथौरागढ़। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्दर क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम द चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव टू सॉल्व टुडे। क्वेश्चन 13, इट इज गिवन कि दैट अ रैशनल नंबर is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 upon 12. What is the number? So, as we have been doing, the same way we will do, let the unknown number is x. According to the question, that a number x is multiplied by 5 by 2, so you get 5 by 2x. To this product, you add 2 by 3 plus 2 by 3 is equal to minus 7 upon 12. Okay. तो यहां से 5.2x is equal to, अब प्लस का 2 by 3 राइट हैंड साइड में ले गया तो माइनस का 2 by 3 हो जाएगा। अब दोनों को सॉल्व कर दिया, दोनों फ्रैक्शंस को 12 और 3 का एलसीएम 12 आया, 12 बन जाए 12, तो न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई करूं, 1 का मल्टीप्लाई, माइनस 3 4 जाए 12, यानी कि न्यूमरेटर में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर हो जाए। तो -7 -8 / 12, तो 5/2x is equal to -15/12 बन गया, ठीक है, और x is equal to minus का 1/2। देखिए 5 3 = 15, ठीक है, और 2 6 = 12, तो -3/6 आया, तो -1/2 is the required rational number। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है, उसके पास 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपए के डिनोमिनेशन है, करेंसी नोट्स है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5, यानी कि 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोटों के बीच का रेशियो 2:3:5 है, और ये जो टोटल कैश है ये 4 लाख रुपए है। तो प्रत्येक डिनोमिनेशन का कितने नोट्स है ये बताना है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन दैट शी हैव। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि 100 रुपए के नोट की संख्या माना 2x, 50 रुपए के नोटों की संख्या 3x मान ली, और 10 रुपए के नोटों की संख्या 5x, तो टोटल कैश 4 लाख है। अब आप टोटल कैश कैसे कैलकुलेट करते हैं, 100 रुपए के नोटों की कुल संख्या, ठीक है ना, 100 रुपए के नोटों की कुल संख्या में एक नोट की कीमत का गुणा करेंगे। आप इसको ऐसे समझिए, 100 के 5 नोटों की कीमत क्या होगी, 5 × 100, तो इसी तरह से 100 के 2x नोटों की कीमत क्या होगी, 2x × 100, 50 के 3x नोटों की कीमत 3x × 50, और 10 रुपए के 5x नोटों की कुल कीमत 5x × 10, नोटों की संख्या गुणा एक नोट की कीमत बराबर 4 लाख, 200x हो गया, ये 150x हो गया, और ये 50x, तो टोटल हो गया 400x इज इक्वल टू 4 लाख। तो 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 1000 टाइम्स कटा, तो x is equal to 1000, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या 2000, 50 रुपए के नोटों की संख्या 3x थी, तो 3 × x³ = 100 है, 3000, 10 नोटों की संख्या 5000। अब आप देखिए 10 रुपए के 5000 नोटों की कीमत 50000, 50 रुपए के 3000 नोटों की कीमत 1.5 लाख, ठीक है, ये हो गया 2 लाख, और 100 रुपए के 2000 नोटों की कीमत 2 लाख, तो हो गया 4 लाख टोटल आपका आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आई हैव टोटल ऑफ रुपीज 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 1, रुपीज 2 एंड रुपीज 5, और 2 रुपए के कॉइन 5 रुपए के कॉइन से 3 गुना ज्यादा है। द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, लेट द 5 रुपी कॉइन इज x, ठीक है, तो 2 रुपए के कॉइन क्या हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, टोटल कॉइन्स है हमारे पास 160, तो 1 रुपए के कॉइन कितने हो जाएंगे, 1 रुपए के कॉइन में कुल कॉइन की संख्या में से 5 रुपए के कॉइन की संख्या घटाएंगे और 2 रुपए के कॉइन की संख्या घटाएंगे, यानी कि कुल मिला के 1 रुपए के नोट सिक्कों की संख्या 160 - 4x आया, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए, आपके पास टोटल अमाउंट जो है
टोटल अमाउंट आपके पास क्या है, टोटल अमाउंट है 300 रुपीज का। तो 5 रुपए के कॉइन की कुल कीमत नंबर ऑफ कॉइन्स गुणा 5 5x, 2 रुपए के कॉइन की संख्या है 3x गुणा 2, तो कुल कीमत 3x सिक्कों की कितनी हो जाएगी, 3x गुणा 2 6x हो गया, और 160 माइनस 4x इनटू 1, 1 रुपए के कॉइन की संख्या गुणा 1 कॉइन की कीमत, तो टोटल 160 माइनस 4x सिक्कों की 1 रुपए की कीमत 160 माइनस 4x ही है। सॉल्व किया आपने 11x आया, माइनस 4x तो 7x, प्लस का 160 राइट हैंड साइड में ले गए तो माइनस का 160 7x इज इक्वल टू 140, तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 20। तो 5 रुपए के कॉइन कितने हैं 20, 2 रुपए का कॉइन कितने हैं 3x था, 3 × 3 = 20 यानी 60, और 1 रुपए का कॉइन की संख्या 80, ठीक हो गया। अब आप देखिए 5 रुपए के 20 कॉइन की कुल कीमत होगी 100 रुपए, 2 रुपए के 60 कॉइन की कीमत होगी 120 रुपए, 320 रुपए हो गए, और 1 रुपए के 80 कॉइन की कीमत 80 रुपए, 220 और 80 300, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड व्हाट आर दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25, टोटल प्राइज मनी इज 3000। अब अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन होते होंगे, तो विनर्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मान लीजिए एक्स विनर्स है, टोटल पार्टिसिपेंट 63 है, उसमें से एक्स जो है जीत गए, तो जो नहीं जीते वो कौन होंगे, नॉन विनर्स कितने होंगे, 63 माइनस एक्स होंगे, टोटल पार्टिसिपेंट में से विनर्स घटा दीजिए तो जो नहीं जीते वो मिल गए। तो क्वेश्चन में दिया है कि 100 रुपए जीतने वालों को मिलते हैं और पार्टिसिपेट करने वालों को 25 रुपए मिलते हैं, तो एक्स नंबर ऑफ विनर्स थे, प्रत्येक को 100 रुपए मिला तो 100x बढ़ गया उनमें, और बाकी जो नॉन विनर्स थे उसमें 25 रुपए के हिसाब से, तो 63 माइनस एक्स इंटू 25 कर दिया इज इक्वल टू 3000। इसको सॉल्व कर दिया, 100x प्लस 63 इंटू 25 आया 1575, माइनस एक्स इंटू 25 हो गया माइनस का इज इक्वल टू 3000, तो 100x माइनस 25x हो गया 75x, दिस 1575 विल बी ट्रांसपोज टू राइट हैंड साइड बिकम्स गोज इन माइनस 3000 माइनस 1575, तो x की वैल्यू आ गई 19, तो टोटल विनर्स क्या आ गए 19 आ गए बच्चों, ठीक है।